राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि जब हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है तो मोहन भागवत और ओबीसी का डीएनए भी एक है, फिर लव जिहाद कानून की आवश्यकता क्या है। अक्सर अपने विवादित और हिंदू विरोधी बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है तो मोहन भागवत और ओबीसी का डीएनए भी एक ही है, ऐसे में लव जिहाद और धर्मांतरण कानून की क्या जरूरत है। वहीं इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान देश को तोड़ने और सांप्रदायिकता वाला रहता है। मोहन भागवत ने देश को जोड़ने का बयान दिया था। दिग्विजय सिंह जिस लव जिहाद कानून की बात कर रहे हैं उनको समझना होगा कि ये लव के नाम पर जिहाद करने वालों के खिलाफ कानून बनाया गया है। गौरतलब है कि भाजपा नेता कई बार कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह मीडिया में बने रहने के लिए हिंदू विरोधी ऐसे बयान देते रहते हैं। अगर डीएनए हिंदू मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है, लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है, फिर मोहन भागवत जी और ओबीसी का दोनों का डीएनए एक ही है। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को लेके लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है, दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लव जिहाद प्रयोग किया है धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लव के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए दिग्विजय सिंह जी, हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिकता दिखेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।